फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। वैसे तो ये इजी रेसिपी है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे ये परफेक्ट बनती है। नहीं तो आपकी जो कढ़ी है, कई बार वो ज़्यादा पतली हो जाती है, ज़्यादा थिक हो जाती है, या फिर वो फटी फटी बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल में ली है दही, जो ये घर की बनी हुई दही है, होममेड दही है। इसको मैंने मिक्सी के जार में ले लिया, थोड़ा डाला है ठंडा पानी। तो अब हमें इसको मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद आप देख रहे हैं इसमें थोड़े ऊपर झाग आ गया, ये मक्खन है, ये निकल जाएगा। इसको हमें अच्छे से निकाल देना है। तो इसको एक छन्नी में छान लेंगे और ये हमारे लिए रेडी हो गई छाछ। तो मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, बेसन मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और इसी में मैं डालूंगी अपने कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं नमक लिया है, हल्दी ली है, सिंपल से स्पाइसेस हैं। और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे, ताकि जो हम बेसन यूज़ कर रहे हैं कढ़ी में, उसमें कोई लम्स ना रहे। अगर उसमें लम्स रहेंगे तो कढ़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो पहले हम पानी के साथ बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। इस तरह से आपको घोलना है, इसको काफ़ी देर तक चलाना है, 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से चला लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आपको छाछ डाल देनी है, जो छाछ हमने रेडी की थी। तो ये कढ़ी का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। बस मैंने फिर इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने थोड़ा गर्म करने के बाद ऑयल डाला है इसमें। ऑयल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है इसमें राई और मेथी, दोनों को एक साथ डालना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पिंच ऑफ जीरा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। एक डाली है मैंने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली, बस इसको थोड़ा सा हल्का रोस्ट होने दीजिए। उसके बाद हमें डालना है इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज, मैंने यहाँ पर लिया है। इसको हमें सॉटे कर लेना है, 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करना है। लो टू मीडियम फ्लेम हमें गैस का फ्लेम रख रहा है। तो देखिए अभी हमारी जो प्याज है वो हल्के ब्राउनिश हो चुके हैं। बस इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है साबुत धनिया और लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे, थोड़ी देर के लिए घुमाएंगे और इसको पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये पक चुका है मसाला हमारा। इसके बाद हमारा जो बैटर था, छाछ जो हमने रेडी की थी, उसको डाल देंगे। इसके साथ थोड़ा पानी आप डालेंगे। कढ़ी आपको थोड़ी थिक चाहिए, थोड़ी पतली चाहिए, उसके हिसाब से आपको इसमें पानी ऐड करना है। तो ज़्यादा पतली कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती है। हम इसको मीडियम बनाएंगे। बस इसको आपको चलाते जाना है, चलाना तब तक है आपको जब तक इसमें एक अच्छा उबाल नहीं आ जाता है। तो ये आपको जब उबाल आ जाता है, कई बार तेज़ गैस पर उबाल आने के बाद हम इसको धीमा करके छोड़ देते हैं, नहीं, आपको पहले तेज़ गैस पे इसको पकाना है। उसके बाद जब इसमें थोड़ा उबाल आने लग जाए तो फिर आपको गैस का फ्लेम लो करना है, और फिर उबाल जो आएगा उसके बाद आपको इसको छोड़ना है। बस उसको पकने दीजिए। कढ़ी जितनी हमारी अच्छे से बॉइल्ड होती है ना, उतनी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े के लिए बना रही हूँ तब तक बैटर। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून बेसन लिया है। बेसन में मैं नॉर्मल से स्पाइसेस डाल रही हूँ। यहाँ पे नमक है, हल्दी है, थोड़ी सी रेड चिली मैं इसमें ऐड करूँगी। बस इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा पानी डालिए, फिर उसको अच्छे से घुमाइए, फिर थोड़ा पानी डालिए। इस तरह से एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो फ्लफी से बने और बिल्कुल स्मूथ बने, सॉफ्ट बने, खाने में भी अच्छे लगे। हार्ड पकौड़े हमें नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पे जो पकौड़े का बैटर है वो मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए यहाँ पर धनिया डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको टोटली स्किप कर सकते हैं। बस यहाँ पर धनिया मैंने डाल दिया है। अब हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ऑलरेडी गर्म किया हुआ था। इसमें मैं अपने सारे स्पून की हेल्प से पकौड़े डाल दूंगी। बस इनको अच्छे से फ्राई होने देना है। लो फ्लेम पे पकाना है, तेज फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो ये काले हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आप इनको लो फ्लेम पे पकाइएगा। तो जब तक हमारे पकौड़े रेडी हुए, हमारी कढ़ी भी अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी थी। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारी जो कढ़ी है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब इसमें हम पकौड़े डाल देंगे एक एक करके। इसको स्पून की हेल्प से आपको मिक्स कर देना है। तो कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो तड़का लगाया है वो राई डाली है मैंने इसमें ऑयल में, बस कुछ नहीं। तो ऑयल थोड़ा यहाँ ज़्यादा हो गया था, वैसे कम करना था मुझे, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कढ़ी हमारी रेडी है।